35 देखिए, n का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखिए क्या है, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा कॉस 8 अल्फा, ये कहाँ चल जाएगा, कॉस का पावर कॉस इंटू में कॉस 2 का पावर n-1 अल्फा तक, ये दिया है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 2 sin अल्फा से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, इंटू में आपका कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा ऐसे ये कहाँ तक, कॉस 2 का पावर n-1 अल्फा तक। यहाँ 1/2 sin अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा sin 2 अल्फा इंटू में cos 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा ऐसे ही cos 2 का पावर n-1 अल्फा तक। अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का पावर अब 2 कर लेंगे और यहाँ sin अल्फा, यहाँ हो जाएगा 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा और इंटू में cos 4 अल्फा और ये कहाँ तक, cos 2 का पावर n-1 अल्फा तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर sin अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा sin 4 अल्फा, cos 4 अल्फा है ऑलरेडी और इंटू कहाँ तक ये गया है, cos 2 का पावर n-1 अल्फा तक। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, देखो हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या लेंगे, यहाँ जब आप सोचो इसको आगे ही करते जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अब लेना होगा आगे चल के इसमें आपका आ जाएगा 2, लास्ट में आएगा 2 इंटू ये आगे, इसके आगे यहाँ पे इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, sin 2 का पावर n-1 अल्फा और इंटू में ये cos 2 का पावर n-1 अल्फा और नीचे हो जाएगा यहाँ पे क्या आ चुका होगा, 2 का पावर n sin अल्फा, ये ना हो जाएगा, ये 2 2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए ऊपर ये फॉर्मूले पे सेट हो गया sin 2 थीटा, ठीक है, और बाई में 2 का पावर n sin अल्फा, तो ये पावर 1 है यहाँ 2 का पावर n-1 है तो पावर ऐड होगा, तो यानी sin 2 का पावर n अल्फा बाई में 2 का पावर n sin अल्फा, ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि डी नंबर आपका सही है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3।